पाकिस्तान की मेजबानी में इस्लामाबाद में होने वाला 19वां SAARC सम्मेलन रद्द हो सकता है, लेकिन इस पर अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ SAARC सम्मेलन का अध्यक्ष देश नेपाल अन्य देशों को मनाने में लगा है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश में जुटे भारत ने ऐलान किया है कि वह वर्तमान माहौल में SAARC सम्मेलन में शिरकत नहीं करेगा। भारत के साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी पाकिस्तान में आयोजित होने वाले एक SAARC समिट में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। यह देश भारत के इस बात से सहमत है कि वर्तमान माहौल में इस्लामाबाद जाना सही नहीं है। तीनों देशों ने अपने निर्णय से SAARC समिट के मौजूदा अध्यक्ष नेपाल को अवगत करा दिया है। दूसरी तरफ सम्मेलन के बहिष्कार के लिए भारत की अपील को नकारते हुए नेपाल ने सदस्य देशों से सम्मेलन में निर्धारित समय पर सुनिश्चित होने की अपील की है। नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक दक्षिण से मौजूदा अध्यक्ष के रूप में नेपाल सरकार ने सम्मेलन के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने का आग्रह किया है। नेपाल सरकार ने जारी बयान में कहा, हमने इस घटनाक्रम पर गंभीरता से विचार किया। SAARC के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ावा देना नेपाल की पहली प्राथमिकता है। नेपाल के लिए SAARC का आयोजन करवाना चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि नियमों के मुताबिक अगर एक भी देश सम्मेलन का बहिष्कार कर दे तो इसका आयोजन नहीं हो सकता। अब देखना यह होगा कि नेपाल की अपील पर भारत क्या फैसला लेता है। देखते रहिए DV Live।